तो वीडियो के अंदर तो भाई लास्ट में तुम लोग को याद होगा हम लोग नीचे माइनिंग के लिए गए थे और वहां से थोड़ा बहुत डायमंड और गोल्ड लेके आ रहे जो कि बहुत ही कम है, ज्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक है, जितना मिला था उस दिन के हिसाब से ठीक ठाक था। तो इतना सामान हम लोग लेके आए थे और आज इतना मेरा मन है थोड़ा नजर वगैरह घूम के आने का, क्योंकि हम लोग को क्वार्ट्ज वगैरह चाहिए, क्योंकि हम लोग को बाकी सारी मशीन्स बनाने के लिए ना ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ेगी और ऑब्जर्वर मेरे को बनाना पड़ेगा उससे क्वार्ट्ज से, और क्वार्ट्ज लाने के लिए नदर जाना पड़ेगा, और नदर जाने के लिए मैंने जब ये वाला अपना फार्म बना रहा था ना अपना ये जो कौन सा फार्म बोलते हैं मॉफ फार्म, जब इसको बना रहा था तो मैं जब ऊपर की तरफ को चढ़ा हुआ था बस जब एकदम सबसे ऊपर जब इसको बना रहा था तब मेरे को ना वहाँ से यहाँ ऊपर से वहाँ से मेरे को एक दिखा था लावा पूल जो कि यहाँ पे था भाई, ये देखो ये रहा हमारा लावा पूल। अब मैं यहीं से डायरेक्ट लावा उठा के कहीं ना कहीं बनाने वाला हूँ। वैसे मेरे पास 6 डायमंड पड़े हुए और मैं वेस्ट नहीं करना चाहता उसको पिकेक्स बना के अभी के लिए, क्योंकि हो सकता है आगे जाके मुझे किसी चीज़ के काम में आ जाए डायमंड्स, तो उसको मैं वेस्ट नहीं करूँगा, मैं उसको भी रखे रहूँगा। और अभी के लिए मैं डायमंड मतलब जो अपना नेदर पोर्टल है वो ऐसे डायरेक्टली फ्रेम बना के बनाने वाला हूँ, उसके लिए मेरे को डायमंड पिकेक्स बनाने की जरूरत। और भाई ये रहा हमारा आयरन वाला काम जो कि और भी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है, यहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा आयरन मिल जाता है धीरे धीरे बैठ बैठ के। वैसे तो मैं इतना ऑनलाइन भी नहीं आया उस सर्वर के अंदर लेकिन मेरे को तब भी काफ़ी ज़्यादा आयरन मिल चुका है यहाँ से, तो हाँ अभी आयरन फार्म सही काम कर रहा है, थोड़ा आयरन निकाल लेते हो क्योंकि बकेट्स की जरूरत पड़ने वाली बहुत ज़्यादा। और ये जब से नया माइनक्राफ्ट का अपडेट आया ना मेरे को ये एडवांसमेंट वगैरह आ रही भाई, मतलब काफ़ी सही चीज़ है। तो अभी मैंने 5-5 बकेट्स बना लिए, अब इन बकेट्स को लेके मैं यहाँ से जल्दी से लावा भर लेता हूँ। लावा भरने के बाद एक मेरे को फ्रेम बनाना पड़ेगा जल्दी से, किसी ब्लॉक का यूज़ करते हुए फ्रेम बनाऊंगा और फिर उसके अंदर लावा डाल के तुरंत पानी डाल दूंगा जिससे कि मेरा अभी अभी अभी, अभी मैं ख़त्म हो जाता भाई। ये जो टच ग्लिचेस होते हैं ना भाई इतनी गुस्सा आती है भाई, क्या बोलूँ भाई मैं। हाँ तो जल्दी से यहाँ से सारा अपना लावा उठाते, वैसे मरने तो नहीं वाला हूँ मैं इतनी जल्दी, लावा उठा के चलते हम लोग अपना फ्रेम बनाने के लिए। मैं सोच रहा हूँ अपना फ्रेम ना मॉब फार्म के थोड़ा सा पास में ही बनाओ तो वो ज़्यादा सही लगेगा, तो वहाँ पे बनाने की शुरू करते भाई। तो अभी फ्रेम तो बन चुका है, फ्रेम के साथ साथ अब हम लोग को वो बनाना पड़ेगा इसका मतलब फ्लिंट एंड स्टील, तो वो जल्दी से बनाने के लिए चलते। फ्लिंट मैंने सारा घर ही में रख दिया है, तो वहाँ जाने से पहले बस मैं एक गोल्ड का आर्मर बना रहा हूँ ताकि वहाँ पे जाके मेरे को पिगलिंस ना मारे भाई, बस ठीक है। तो गोल्ड का आर्मर मैंने बना लिया है, जल्दी से इसको पहन के निकल लेते हैं हम लोग अपना नेदर के लिए, देखते हैं हमारा नेदर, काश ऐसा हो कि हमारा नेदर डायरेक्ट फोर्ट्रेस में खुले, लेकिन ऐसा मेरी किस्मत इतनी अच्छी होती नहीं कभी कि फोर्ट्रेस में मिल जाए, लेकिन चल के देखते हैं भाई। तो सारी तैयारियाँ हो चुकी है, अब जल्दी से चलते हैं हम लोग नेदर के लिए। तो भाई अभी नेदर में तो आ चुके, और जैसा मेरे को पता था कि भाई ये कोई अच्छा स्पॉन नहीं देने वाले वैसा ही हुआ, मेरे को स्पॉन अच्छा नहीं मिला। चलो लेकिन यहाँ से हमको ब्लैक वाले वो जो इनको क्या बोलते हैं ब्लैक वाले जो ये पत्थर होते हैं ब्रैक वगैरह ऐसे कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं इसको मैं भूल गया, हाँ ये सब मिल जाएगा मेरे को, मतलब इससे चाहिए बेसॉल्ट बोलते हैं भाई, बेसॉल्ट हाँ भाई भूल ही गया, बेसॉल्ट मिल जाएगा यहाँ से मेरे को काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि डेकोरेशन के काम आएगा काफ़ी ज़्यादा आगे चल के, क्योंकि अभी मेरे को काफ़ी डेकोरेशन भी करनी है अपने वर्ल्ड के अंदर, तो ये काम आ जाएगा। और बाकी अभी हम लोग यहाँ के कोऑर्डिनेट वगैरह लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट लिख के चलते सीधे आगे को देखते कुछ अच्छी जगह मिल जाए मेरे को। तो अभी ये जगह मैंने मार्क कर दी अपने डर्ट से भाई ताकि थोड़ा बहुत ऐसे दूर से भी दिखता रहे, तो नीचे जाने का तो कोई फायदा है नहीं भाई यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसको खोदा था तो यहाँ से लावा आ गया, तो नीचे जाने का मतलब नहीं है यहाँ से, हम लोग को भी यहाँ नहीं जा करके साइड में एक जगह है वहाँ पर जाना चाहिए, इस साइड को बढ़ते हम लोग आगे को। तो मैं अभी अपने स्पॉन से काफ़ी दूर आ चुका हूँ, लगभग 150 ब्लॉक दूर आ चुका हूँ, और मेरे को मिला क्या अभी तक कि सिर्फ क्वार्ट्स और थोड़ा बहुत गोल्ड बस, और कुछ मिल ही नहीं रहा है भाई, सिर्फ क्वार्ट और गोल्ड मिल रहा है भाई और कुछ मिला ही नहीं भाई, समझ रहे हो क्या कर सकते हैं, अभी और घूमना पड़ेगा हम लोग को। मेरे को तो लग रहा है मैं गलत ही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरे को उल्टा जाना चाहिए, इधर साइड में तो कुछ भी नहीं है, देखते क्या करते हैं हम लोग आगे चलते अभी थोड़ा और आगे घूमते, शायद कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाए। जैसा कि मैंने कहा था मैं गलत डायरेक्शन में ही जा रहा था, वैसे ही मैं वापस आके थोड़ा उल्टी डायरेक्शन को बढ़ा तो मेरे को भाई ये मिला, ये देख रहा थोड़ा सा पीछे आया जहाँ पे मैं था उससे मेरे को ये मिल रहा है भाई, यहाँ पे देख रहे हो ना काफ़ी सही जगह मिल रही मेरे को, बैशियन इसको लूटने में काफ़ी सही लगेगा, मैंने इसके कोऑर्डिनेट लिख लिए, अगर मैं यहाँ पे अभी मरता हूँ तो मैं दोबारा आऊँगा वापस यहाँ पे इसको लूटने के लिए, लेकिन भाई अभी मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका है यहाँ पे घूमते हुए सिर्फ ये मिला, मेरे को अभी पता भी नहीं बैशियन लूटते कैसे अच्छे से भाई, मैं इतना ज़्यादा जानते ही नहीं हूँ कहाँ पे क्या रखा रहता है। तो जल्दी से हम लोग एक एक करके नीचे चलते हैं, यहाँ वो रहा चेस्ट, पीछे चेस्ट है वहाँ चल सकते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले इधर को आगे जाना पड़ेगा और फिर ऊपर को साइड में जाना पड़ेगा, रुको एक सेकंड मेरे को यहाँ से रास्ता वगैरह थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई, यहाँ तो नहीं जा सकते यहाँ, वो देखो भाई मैंने बोला था काला वाला बंदा आएगा और ये आ पाएगा यहाँ पे, नहीं आ पाएगा नहीं आ पाएगा नहीं आ पाएगा ये, अरे इसको मार देता हूँ मैं, गिरा देता हूँ,
भाई इसको मारने से ये लोग भी पागल हो जाते भाई, मेरे को पता ही नहीं था कि इसको मारने से ये लोग पागल हो जाते भाई। मैं खत्म है, खत्म, कोई बात नहीं, अगली बार बदला लेने जाएंगे वहाँ पे वापस से। लेकिन भाई आशीर्वाद में इतना ही था, तो भाई तुम लोग को आशीर्वाद से वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करना, और अभी तक मैं इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड नहीं करो तो वो भी कर लो। तो आशीर्वाद में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।